आप बीजेपी में थे तो अचानक आपका इस पार्टी में आना, बीजेपी को गाली देता था, तरह तरह के थाने मारता था, वो परिवार दफ्तर की धरती पर भाजपा का प्रत्याशी बन के आ गया। कांग्रेस के टिकट उसे नहीं दिया गया, उसे प्रत्यक्ष किया गया। नमस्कार, आपका द खबर न्यूज में स्वागत है। मैं उमेश सिंह। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने वाले हैं जो जमीनी स्तर से उठे हैं राजनीति में और अपनी राजनीति में एक अलग छवि छोड़े हैं, देवेंद्र सिंह जी से, जो वर्तमान समय में ज्योतर से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी देवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप इस समय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप बीजेपी में थे, तो अचानक आपका इस पार्टी में आना या किस कारण से ऐसी चीज़ें बनी, ऐसी स्थिति बनी कि जो आप भाजपा छोड़ के बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए? दफ्तर की राजनीति में एक भूचाल आया, जो परिवार तीन पीढ़ियों से पानी पी के संघ परिवार और बीजेपी को गाली देता था, तरह तरह के थाने मारता था, वो परिवार दफ्तर की धरती पर भाजपा का प्रत्याशी बन के आ गया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता जो बरसों बरस की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाए कि दफ्तर में 35 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, तो उन प्रत्याशियों को, उन कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को घोर निराशा हुई थी। कांग्रेस के टिकट उसे नहीं दिया गया, उसे प्रत्यक्ष किया गया, वो प्रत्याशी अपने भाजपा के प्रत्याशी बन के आया। 11 करोड़ कार्यकर्ता की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, और जब चुनाव की बात आती है तो 230 प्रत्याशी उसे ढूंढे नहीं मिलते, स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटने लगती है। वैसे परिस्थिति में भाजपा का परित्याग करना मैंने बेहतर समझा, दफ्तर के सम्मान के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने हर बहुजन समाज पार्टी का दामन लिया। हमेशा आप क्षेत्र में सक्रियता आपने दिखाया, समाज सेवा से रिलेटेड सारी चीजें हम इनसे बात करेंगे, जमीनी स्तर से कैसे ये राजनीति में कैसे है, आप राजनीति में राजनीति की शुरुआत अभी कैसे हुई? राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं साधारण शिक्षक परिवार का साधारण व्यक्ति था, व्यवसाय भी मेरा पेशा नहीं था, लेकिन जब व्यवसाय आया तो मुझे पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में, नहीं पूरे देश में मैंने अपने नाम, अपने ब्रांड का जो है सिक्का जमाया। तो इत्तेफाक था, नौकरी छोड़ के मैं राजनीति व्यवसाय में आया, और इत्तेफाक ही कहेंगे कि मतलब मैं स्वभाव से सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज के हर परिस्थिति में, दुख में लोगों की मदद के लिए मेरे से संभव होता था तो मैं करता था। वही भावना मुझे जो है तो राजनीति में खींच लाई। 2014 में जो देश में परिवर्तन की लहर चल रही थी, तो मोदी जी की रीत नीति से मैं प्रभावित था। मेरे स्कूल के कार्यक्रम में माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी मुख्य अतिथि के रूप में, भगत सिंह का जो प्रोग्राम स्कूल में करते हैं 23 मार्च को तिथि पर, उस पर आए थे, उन्होंने मुझे बुला के शिवराज सिंह के सामने, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद जी के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति में भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रीत नीति से, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण हो, चाहे रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम भाजपा के प्रोग्राम के साथ रिलेट करता था, चाहे युवा खेल महोत्सव हो, हर प्रोग्राम में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और दफ्तर मेरी जन्मभूमि है, दफ्तर की धरती का लोगों को सक्षम बनाने, मजबूत बनाने के लिए मैंने शुरुआत किया रक्षाबंधन कार्यक्रम का। 7 वर्ष से अनवरत रक्षाबंधन कार्यक्रम चला, जिसमें दफ्तर की महिलाओं से मैं रक्षाबंधन
कराने के बाद राखी बंधवाने के बाद तीन वचन लेता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने परिवार को नशा मुक्त करिए। तो गंदगी मुक्त, अशिक्षा मुक्त और नशा मुक्त समाज की कल्पना अपना सपना सुंदर तो घर में नारा दिया है। उस नारे को लेकर मैं तो घर की धरती पर गया था और धरती पर मैंने इस ढंग के कार्यक्रम बुजुर्गो करती थी वहां के लोग करने लगे थे लोगों ने समाप्त। तो ये योजनाएं युवाओं के लिए मैंने बिल्कुल शुरू किया। काम मैं सामाजिक रूप से करता था लेकिन जनता से जुड़ने का और उनसे हर काम में एक उद्देश्य रहता था। खेलकूद कराने के पीछे उद्देश्य लड़के मोबाइल की लत छोड़ी, नशा छोड़ी, और युवा अगर उसके कंधे सशक्त होंगे तो सशक्त बनेंगे और मेरा देश सशक्त। फिलहाल राजनीति में तो आपने एक अलग छाप छोड़ी है, जिस पार्टी में आप जाते हो लोगों का रुझान उसी तरफ बढ़ जाता है। यदि आप राजनीति में आते तो आप दूसरा कार्य क्या करते? दूसरा कार्य तो मैं कर ही रहा था। व्यापार जो है तो मेरा महाराजा ग्रुप कंपनी महाराजा ग्रुप एसोसिएट के नाम से फर्म है और मेरे देश में जो है तो मेरा एक सीमेंट प्लांटों में मैन पावर सप्लाई का बड़ा काम है और बड़े ठेकेदार के रूप में जाने जाता हूँ। यहाँ पर जो महाराजा पब्लिक स्कूल है अपने संभाग का स्कूल है उसको मैं प्रदेश के अच्छे स्कूलों में ले जाना चाहता हूँ। ये प्रतिष्ठान मैंने 20 साल पहले शुरू किया था जहाँ स्पेशल बैठे हैं। ये भी प्रदेश का पहला विवाह घर था। अपने ढंग का मैं अलग ढंग से काम करता हूँ, अलग ढंग से सोचता हूँ। अब देवथर को भी मेरे को मेरा सपना है कि अलग ढंग से, क्योंकि मेरा पेशा नहीं राजनीति, मैं राजनीति नेता की तरह झूठ बोल के वादा करके नहीं जाऊँ। मैं जो बात करूंगा तो उसे 100% नहीं, मतलब 110% उसको भरने का प्रयास करूंगा। जहां तक मेरी पूरी ताकत रहूंगी देवथर को मैं 5 वर्ष में ही पर्यटन के जो है तो नक्शे पर जो है ला दूंगा कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र देवथर बनेगा। चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं, इससे आपकी क्या राय है? महंगा चुनाव लोगों से लड़ा जाता है, चुनाव जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे, जनता का सहयोग से चुनाव लड़ा जाता है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसे वाले बहुत सारे हैं, अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाता है तो बड़े बड़े भामाशाह टाटा अंबानी बिरला ये सब जो है तो विधायक सांसद बनते। पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता, पैसे जनता के बीच में अपनी बात कहने का तरीका होता है, किस तरीके से अपनी बात करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता जनता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।